देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे, भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालात आज क्या होता। आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। 10 years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper clearly says how, if the government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first, the results are there for everybody to see. Equally, when you don't put the nation first, when you put your first family first, and when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. So, what happened after 2008, when there was a global financial crisis, and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if niyat aur niyam dono sahi hai, to acha result milega. Jab aapke niyat saaf nahi hai aur aapke karwai bhi saaf nahi hai, desh ko itna gambhir avastha mein chhod kar aap chale gaye, usko sahi karne mein 10 saal maniye mukhya pradhanmantri ji modi ji ka unke डेडिकेशन के वजह से आज देश उबर कर आ रही है। इफ दे हैव द करेज, दे शुड लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग एंड रेस्पॉन्ड। दे डोंट वांट टू लिसन, दे डोंट वांट टू लिसन। उनको सुनने में क्षमता नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, सुनने का ताकत नहीं है, इसीलिए ऐसे बात नहीं करने दे रहे। फिर भी मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं बात करूंगी। सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना करना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालात आज क्या होता। सर, दैट इज वन स्टोरी ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद सरकार ने भारत देश को कैसे बचाया। नहीं बचाया, नहीं बचाया, मगर कोविड के बाद माननीय मोदी जी ने इस देश का कैसे संभाला, वैक्सीन सबको मुफ्त में दिला दिया और देश को प्रोटेक्ट किया, वो कैसे हुआ। और सर, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है सर, मैं दोबारा बोल रही हूं, मैं इसको रीएम्फेसाइज कर रही हूं, ये सीरियस डॉक्यूमेंट है, इसमें सीरियस विषय है, इसको गंभीरता से ले। मुझे मेरा आवाज बंद करने के लिए कोशिश करेंगे वो तो नकार है, फेल हो जाएंगे ही, मगर इस सच्चाई को सामना करना उस पार्टी के लिए जरूरत है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस वर्सेस कोविड मैंने बोल दिया, डिटेल में भी बोलूंगी शाम को, मगर एक दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। इस देश में 12 दिन का दिल्ली में ही होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स का हालात क्या हुआ जी, पूरे दुनिया जानता, पूरा दुनिया देखा। टॉयलेट नहीं बन पाए, फ्लैट्स नहीं बन पाए, गेम्स विलेज नहीं बन पाए, करोड़ों रुपया का घोटाला हुआ और उसके बाद
उसका विपरीत देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स का इतना फ्लॉप शो हुआ, भारत का बदनाम हुआ पूरे दुनिया में।